नमस्कार, स्वागत है आपका जालौन मेट्रो पर और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। खबर जालौन जनपद के नगर जालौन से है। आप इसे पुरातत्व विभाग की लापरवाही कहें या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी कहें, लेकिन दोनों ही सूरतों में पुरातत्व महत्व की ऐतिहासिक धरोहर ध्वस्त हो रही है। हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित मराठा साम्राज्य की अंतिम शासिका ताईबाई के रनिवास यानी कि महल की, जिसे मराठों ने 16वीं शताब्दी से पहले बनवाया था। स्वतंत्रता के बाद यह महल सरकार के कब्जे में आ गया था और इसमें करीब 40 साल तक राजस्व विभाग के अधिकारियों के कार्यालय हुआ करते थे, लेकिन तहसील कार्यालय की नई बिल्डिंग बनने के बाद अधिकारियों ने इसे खाली कर दिया था और सरकार तथा पुरातत्व विभाग को कई बार पत्र लिखकर इसे संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य की अंतिम निशानी ध्वस्त हो रही है। आज फिर से इस महल में अंदरूनी भाग भरभराकर गिर गया। महल के बीचों बीच स्थित शिव मंदिर अभी सुरक्षित है। इस संबंध में जब हमने तहसीलदार जालौन बलराम गुप्ता से बात की तो सुनिए क्या कह रही हैं तहसीलदार जालौन बलराम गुप्ता। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। तहसील साहब, आज जालौन साथ तहसील सभागार के पास स्थित ताईबाई के पुराने महल का कुछ हिस्सा ध्वस्त हो गया है। क्या है पूरा मामला और क्या दिशा निर्देश देके क्या कार्रवाई कराई जा रही है? तहसील जालौन की जो पुरानी बिल्डिंग है उसे ताईबाई के किले के नाम से जाना जाता है। वह जो है पुरातात्विक महत्व की एक बिल्डिंग है, पुरातात्विक महत्व की बिल्डिंग है। तथा पूर्व में उसके संरक्षण के लिए पत्र भी लिखा गया था जिसमें पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे किया गया था, किंतु बजट के और अन्य अभावों की वजह से अभी तक उसका जीर्णोद्धार का काम नहीं किया गया है। वर्तमान में बारिश के चलते वहाँ पर कुछ पेड़ इत्यादि उग आए थे, पूर्व में भी कुछ वहाँ पर बिल्डिंग डैमेज हुई थी, अभी आज फिर वहाँ पे बिल्डिंग डैमेज हुई है जिसकी जांच जो है मेरे द्वारा नगर पालिका के साथ में की गई है। क्योंकि बिल्डिंग अभी और डैमेज हो सकती है बारिश के चलते हुए, तो ऐसे वहाँ पर लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा रहा है और साथ ही वो बिल्डिंग को लेकर के हम लोग पत्र भेज रहे हैं। अगर पुरातत्व विभाग उसका मरम्मत के लिए आगे आएगा तो हम उसका मरम्मत कराएंगे, अन्यथा की स्थिति में ध्वस्तीकरण के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। हट नहीं पाएगा।